लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर अब अंतिम तैयारी में जिला प्रशासन जुट गई है। जिले के शहरी क्षेत्रों के प्रमुख घाट आश्रम घाट में हजारों की संख्या में छठ व्रती देती है भगवान सूर्य को अर्घ्य, और इसको लेकर के नगर निगम के 2 दर्जन से अधिक मजदूरों को घाट के निर्माण और दुरुस्त करने में लगाया गया था। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे इस प्रमुख घाट की सफाई का कार्य पूरा कर लिया गया है और अब बैरिकेडिंग का कार्य किया जाना चाहिए। इसको लेकर नगर निगम के विकास की प्रशासन को DM प्रणव कुमार ने दिया है विशेष निर्देश। आपको बता दें कि अब छठ पर्व में महज 4 दिन शेष रह गए हैं और तैयारी को लेकर नगर निगम जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। नदी के किनारे प्रमुख घाट विशेष करके आश्रम घाट 70,000 की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इसको लेकर पूर्व से तैयारी की जा रही थी और अब साफ सफाई का भी काम करीब करीब पूरा कर लिया गया है और अब बांस बल्ले से बैरिकेडिंग की कवायद की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस स्वयंसेवक सदस्य भी रहेंगे और साथ ही नदी में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हो सके इसके लिए SDRF NDRF की टीम की मौजूदगी रहेगी जो घाट की लगातार निगरानी करते हुए रहेंगे। आपको ये बता दें कि इन घाट का नवीकरण केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत विकसित और नवीकरण की गई है। DM प्रणव कुमार ने बताया है कि शहर के सभी प्रमुख घाट की साफ सफाई और निर्माण का कार्य करीब करीब पूरा कर लिया गया है और नगर निगम के द्वारा लगातार यहां कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही NDRF और SDRF की तैनाती कर दी गई है। देखिए, छठ घाट की सभी मरम्मती और समतलीकरण करा दिया गया है। सभी घाटों का निरीक्षण मैंने स्वयं भी किया है। अब वर्तमान में उसकी साफ सफाई का कार्य चल रहा है, जो कि समय रहते पूरा कर दिया जाएगा। बिल्कुल, आपदा के दृष्टिगत उसकी तैयारी रहती है और SDRF NDRF की टीम, 2 की टीम, और उसके लिए पूरा आपदा जितने भी पुलिस होते हैं सारे